चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और फर्म उसको इंटरेस्ट देता है लोन पे, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, पीएल अकाउंट में आता है। प्योर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आप लोगों को बताया था कि पार्टनर और फर्म के बीच जो भी रिलेशन, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होता है। लेकिन दो ट्रांजेक्शन ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट, वो कहां चला जाता है, वो पीएल अकाउंट में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अभी पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में हम देखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कुछ नहीं बोला होता तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेते, और कब देते, जब प्रॉफिट होता तब देते। अब इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये प्रॉफिट हो जाए नहीं, वो देना ही है, क्योंकि पीएल अकाउंट का आइटम है, देना ही है। इसमें कोई डिस्कस जरूर बोलना नहीं कि जो देना है जबरदस्ती देना है, इसमें नहीं बोलने का जरूरत है, इसमें देना है मतलब देना है, क्योंकि ऑलरेडी शुरू से इसका बेसिक नेचर ही क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर, पीएल अकाउंट का आइटम है। तो बोलता है ए बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है, हम लोग पहले रफली तैयार कर लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:3 है। With capital of rupees 40,000 and 20,000 respectively, इनका जो capital है, इसका 40,000 है, इसका 20,000 है। On 1st July 2023, A and B granted a loan of rupees 80,000 and 40,000, मतलब loan दिया है। A ने कितना दिया है 80,000 और B कितना दिया है 40,000। यहाँ पे date मायने करता है, date को भी दिया है 1 जुलाई 2023 को दिया है, date यहाँ मायने करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं दिया होगा तब ना मान लीजिए 6 महीना लेंगे, देश में दे दिया है तो जो डेट दिया वो लेंगे। रिस्पेक्टिवली टू द फर्म सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2023 अमाउंटेड टू रुपीज 8,400। मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है 8,400, और बोला अभी तक कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया गया है, तो अप्रोप्रिएशन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात किया नहीं है, ड्रॉइंग से बात किया नहीं है, तो एक ही आइटम दे रहा है, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है, ठीक है, और पीएल अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट दिया हुआ, इसका दो तरीका होता है बनाने का, ध्यान दीजिएगा, तरीका समझिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चन में दो तरह सॉल्व करते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो सबसे पहला इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, 6% लेंगे, रेट तो दिया हुआ है, नहीं दिया होता मुझे ना, डेट दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है, 6% याद आ रहा है ना, अगर रेट नहीं दिया होता तो हम लोग लोन के लिए कितना लेते हैं, 6% लेते हैं, और यहाँ पर जुलाई में लिए हैं, 1 जुलाई को लिए, और हमारा जो मार्च मतलब एंडिंग हो रहा है फॉर द ईयर इंडेड 2023, अगर एक साल दिया हो इसका मतलब क्लोज कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, और हम जुलाई में लिए हैं 1 जुलाई को, जुलाई भी काउंट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना, इसका मतलब 80,000 का 6% 6 महीने के लिए, आप लोग यहाँ पर वर्किंग कर लेंगे तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 80,000 का। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, 6% 6 महीने के लिए, या तो रेट को आधा कर लीजिए, ईजी हो जाता है, ये दिमाग गंदा है लेकिन सही कर सकते हैं, या तो टाइम को आधा कीजिए तो रेट को आधा कर लीजिए, तो 80,000 का 6% 6 महीने के लिए, या 80,000 का 3% निकाल देंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा, या रेट आधा कर लीजिए, तो 80,000 का 3% करेंगे तो कितना साफ दिख रहा है आपको, क्या आ जाएगा, 2400 रुपया, ये शॉर्टकट तरीका हो गया बनाने का, और 40,000 का 3% आधा रेट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3=1200 रुपया, क्लियर आ गया। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप एक पीएल अकाउंट रिवाइज बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज्ड, रिवाइज का मतलब फिर से बना रहे हैं, कारण क्या है, ये प्रॉफिट निकाल लिया, अरे भाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएल अकाउंट में आता तब ना प्रॉफिट निकालता तुम, ये बिना इंटरेस्ट ऑन लोन लिए प्रॉफिट निकाल दिया, पॉइंट समझ रहे हैं आप, तो गलत हो गया ना, तो हम रिवाइज कर रहे हैं, मतलब हम पीएल अकाउंट फिर से बनाएंगे, मतलब एक बना के 84 तो प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन क्या किया, एक आइटम नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया, गलत हो गया ना, तो हम फिर से पीएल अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए, रिवाइज, मतलब फिर से बना रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट आया उसको नेट प्रॉफिट ले लेंगे, ये बाय टू वाला ऑप्शन आप लोग हमेशा यूज करना, ये मत बोले बाय टू नहीं लिखे, बाय टू इंप्लाइड है, अकाउंट है तो बाय टू तो होगा, तो इसमें हम नेट प्रॉफिट लिख लेंगे 8,400। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का कितना आया 2400, अब बी का कितना आया 1200, अब रिवाइज नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे 8,400, इसमें से माइनस कितना हो जाएगा आपको 3600 ना, 8,400 में 3600 माइनस हो जाएगा, अब मेरा एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आया 4800, ये मेरा क्या गया, रिवाइज नेट प्रॉफिट आ गया, मतलब सही नेट प्रॉफिट, गलती कर दिया था हम, सही से फिर से बनाए एक बार, क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे, अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, अब सेकंड में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और यहां पे नेट प्रॉफिट कितना लेंगे हम, अब ये नहीं लेंगे 8,400, सही प्रॉफिट लेंगे कितना 4,800, तो 4,800 लेंगे,
अब पीएल प्रोविजन अकाउंट का आइटम क्या है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है, तो बस यही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अभी क्वेश्चन स्लो स्लो बढ़ाएगा, एक करके लेवल बढ़ाएगा, अभी एक ही आइटम दे रहा, बाद में सब आइटम को इंक्लूड कर देगा। 4800 तो 4800 अब इसको बांट देंगे इस रेशियो में, 2:3 में बांट देंगे ए और बी, इसको दो भाग दे देंगे, इसको तीन भाग दे देंगे, तो 4800 को 5 से डिवाइड करेंगे और दो भाग ऊपर वाले को देंगे तो 1920 आएगा, और इसको फिर तीन से गुना करेंगे तो 2880 आएगा। क्या किए समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन देना था लेकिन नहीं दिया था, हम देंगे लेकिन पीएल अकाउंट थोड़ी, पीएल प्रोविजन अकाउंट थोड़ी देंगे, हम पीएल अकाउंट से देंगे ना, तो हमको पीएल अकाउंट फिर से बनाना पड़ा। बात समझ रहे हैं आप? इसका एक दूसरा तरीका और है, शॉर्टकट तरीका जो आप लोग अच्छा लगे लेकिन यूज मत कीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में बना रहा था उस तरह से। शॉर्टकट तरीका क्या, ध्यान दीजिए, या तो आप फिर से एक पीएल अकाउंट रिवाइज करके बना लीजिए, नेट प्रॉफिट फिर से निकाल लीजिए और फिर यहाँ शुरुआत कीजिए क्वेश्चन, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि ये मत बनाइए, चाहते हैं कि ये नहीं बनाए आप, तो क्या कीजिए, डायरेक्ट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट कर लीजिए। कैसे एडजस्ट करेंगे उस केस में? हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और लिख देंगे बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और अंदर में ही लिखेंगे अमाउंट का कॉलम जो है ना, यहाँ पर अंदर में लिखेंगे कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन पे था, कितना 8400 है, लिख देंगे 8400, और यहाँ पे कर देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी का कितना 2400 1200 2400 1200 3600 माइनस करेंगे तो यहाँ 4800 सेम चीज आ गया। अब यहाँ से सेम हो गया क्वेश्चन, बस सिंपल है कि रिवाइज अकाउंट बनाइए या तो पीएल प्रोविजन अकाउंट के अंदर में एडजस्ट कर लीजिए, बाहर में नहीं, इसको अंदर में एडजस्ट कर लीजिए, ये भी दूसरा ऑप्शन, ये भी है, लेकिन ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला। समझ पा रहे हैं आप? तो कभी कभी क्वेश्चन बना रहता है इस मेथड से ही बना रहता है और इस मेथड से ही बना रहता है, सेम ही आंसर आया ना, 4800 टमाटर देंगे तो ये और भी वही है ना, सेम चीज है, तो दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ए, प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज अकाउंट बनाइए, स्मार्ट वर्क है ये, थोड़ा सा कुड़िया वर्क है, पक्का देख लीजिए। तो हम लोग क्या किए, इसमें एक पीएल अकाउंट बनाया है रिवाइज्ड, पीएल अकाउंट रिवाइज्ड, इसको आप लोग शुरू में या लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में लिखे ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे पीएल अकाउंट रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, इसमें क्या है किसी किसी में लिखता ही नहीं है, एक सीरीज लेंगे ना हम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए कहाँ, इसलिए बता दी कि यहाँ लिखा कीजिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ब्रैकेट में रिवाइज किया हुआ है, मतलब नॉर्मल नहीं है, बनने के बाद दोबारा बन रहा है, समझ रहे हैं आप, जैसे रिवीजन का मतलब क्या, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो दोबारा पीएल अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए हम, रिवाइज। तो क्या किए, जो प्रॉफिट ले लिए बाय प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट 8400 ले लिए और यहाँ इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज कर दिए 2400 1200 3600, तो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब आ गया ट्रांसफर टू पीएल प्रोविजन, इस प्रॉफिट को हम लोग पीएल प्रोविजन अकाउंट में लेंगे, पीएल प्रोविजन अकाउंट में ले लिए हम लोग 4800 रुपया और कुछ भी नहीं था तो बांट दिए उसी को, जैसे बांटते थे नॉर्मल तरीके से बना दिए, और यहाँ पे बोला हुआ इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज पेड 6%, ये आपको बता चुके थे, अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया रहेगा लोन के बारे में तो 6% देंगे, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, पूरे अच्छे से समझ में आ गया, पक्का? यस सर। कुछ पूछना नहीं है ना? नहीं सर।